लोक साहित्य मंच लुधियाना की ओर से हाशिए पर जनतंत्र और मित्र सैन मीत का कथा संसार विषय पर संवाद रचाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री राम शरण जोशी ने की और की नोट विनोद शाही जी ने रखा। सर्वप्रथम मैं आज की इस एक दिवसीय गोष्ठी के संयोजकों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आज ये एक चर्चा यहाँ रखी। और एक अच्छी बात विनोद शाही जी ने करीब एक हफ्ता पहले मुझसे फोन करके कि हम उपन्यास को एक बड़े व्यापक मुद्दे से जोड़ रहे हैं, क्या आप इसे सहमत हैं, यानी लोकशाही से लोकतंत्र से। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। करीब पिछले दो ढाई घंटे से मीत जी के करीब करीब 950 पेज के उपन्यास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। मंडेला का नाम आपने सुना ही होगा, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बड़ी ऑटोबायोग्राफी है, करीब 800-900 पेज की। और उन्होंने एक जगह उनका बहुत प्यारा कोटेशन है, वो ये कहते हैं कि राज्य राष्ट्र के चरित्र की जो परख है वो किससे होती है, कि राष्ट्र अपने सबसे शक्तिशाली श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ वो कैसा व्यवहार करता है इससे नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वो सबसे निर्बलतम और न्यूनतम व्यक्ति के साथ राष्ट्र यानी स्टेट एंड द नेशन वो कैसे बर्ताव करता है, इससे चरित्र की परख होती है कि वो राज कैसा है, राष्ट्र कैसा है। इस कोटेशन के दायरे में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और क्योंकि मित्र सिंह जी के जो तीनों जो ट्रायलॉजी है, तीनों उपन्यास तफ्तीश, कटहरा और सुधार घर, वो इसी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में है। मैं ये मानता हूं कि एक तो ये उपन्यास को आप पंजाब की दृष्टि से ना देखें, ठीक है, इसमें स्थानीयता है, कुछ हमारे वक्ताओं ने कही है और ये स्थानीयता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्थानीयता होने के बावजूद इसकी जो यूनिवर्सल अपील है, सार्वजनिकता है, वो पंजाब की सीमाओं को कभी ट्रांसेंड करती है। क्यों? कि समस्या केवल पंजाब की नहीं है, बल्कि इंडियन नेशनल स्टेट की है। जो स्टेट 15 अगस्त 1947 को बना, ये संपूर्ण भारतीय राष्ट्र राज की समस्या है। और ये समस्या अकेली न्यायपालिका की नहीं है, ज्यूडिशरी की नहीं है, बल्कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। क्योंकि नेशन किसी स्टेट की जो तीन ऑर्गन्स हैं, कार्यपालिका यानी सरकार, विधायिका यानी पार्लियामेंट या असेंबली और न्यायपालिका या ज्यूडिशरी अदालतें, इन तीनों से मिलकर के एक स्टेट मॉडर्न स्टेट बनती है। और ये मित्र सिंह जी ने इसमें जगह और चर्चा की, इस पर लोगों का ध्यान कम गया है, लगभग नहीं गया मीडिया कई जगह, कि एक पत्रकार मीडिया का कैसे इस्तेमाल होता है, इस पर भी इसमें विस्तार से चर्चा है जगह जगह। तो जैसा कि मीडिया को कहा जाता है कि ये लोकतंत्र का, ये जमहूरियत का चौथा स्तंभ है, फोर्थ कॉलम है, तो तीन अंग और चौथा मीडिया हो गया, तो चार अंगों को इसमें इस राम राज में बहुत करीनी से समेटा गया है, चारों की इंटर रिलेशनशिप को बताया गया है। मैं ये मानता हूं
चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो या विधायिका हो, तीनों इंडिपेंडेंट नहीं होते। राज्य के चरित्र के मुताबिक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका काम करते आए। कोई ये मान के चले कि सब इस पर कि उन्होंने मित्र सेन जी ने न्यायपालिका पर ही जोर दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक व्यवस्था की बात की है और व्यवस्था में ये सभी तीनों अंग आ जाते हैं। अब व्यवस्था के जो संचालक जो स्टेट है वो किस ढंग की है। अब मैं जैसे कि अगर मान लीजिए मैक्रो लेवल पर हम लोग या राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, 1991 से लेकर के और 2009 के बीच ज्यादातर जो जुडिशरी की जो फैसले आए वो एंटी लेबर आए। क्यों आए? क्योंकि ये वो दौर है ग्लोबलाइजेशन का, जिसने लेबर लॉज बदले, कंपनी लॉज बदले। यानी आज अगर आप 1999 अगर मजदूर आप क्या काम कर रहे हैं, आप बगैर सरकार की नोटिस के, बगैर सरकार को इन्फॉर्म किए आप बदल सकते हैं। ये फैसले, ये फैसला पांचवें, ये छठे दशक में, ये सातवें दशक में नहीं आ सकता था। एंटी लेबर बहुत सारे कानून बने, इसका मतलब ये हुआ कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं कर सकती। दूसरी बात क्यों, कि ये एक जो क्लास कॉन्शियसनेस से कोई भी स्टेट है, चाहे वो भारत की हो, चाहे अमेरिका की हो और चाहे वो रूस की हो या चीन की हो, एक क्लास कॉन्शियसनेस के साथ ये तीन स्टेट काम करती है। और स्टेट के मातहत जितने भी ऑर्गन्स या संस्थाएं हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं नहीं, बल्कि जिस स्टेट पर जिस क्लास का कब्जा होता है या शासन होता है वो अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपनी क्लास कॉन्शियसनेस या क्लास इंटरेस्ट के हिसाब से वो उन संस्थाओं को चलाता है, नियम बनाता है, कानून बनाता है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि इस समय पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में 300 से ज्यादा अरबपति हमारी लोकसभा में पहुंचे हैं। ताजा अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर बता, 500 साढ़े 500 में से अगर 300 से ज्यादा अरबपति पहुंच गए, यानी 60-70% अगर अरबपति वहां पहुंच गए, तो एक बात मान के चलिए वो सब नाम किसके लिए बनाएंगे, किसके हितों को ध्यान में रखकर के बनाएंगे, नंबर वन। दूसरा, इस समय 173 क्रिमिनल्स इस लोकसभा में मौजूद हैं, यानी 33% जिस बात की आप बात कर रहे हैं, जिसमें इनके उपन्यास में मुख्यमंत्री भी है, मंत्री भी है, नेता लोग भी हैं। तो जब 33% क्रिमिनल जो देश की सर्वोच्च महापंचायत उसमें 33% पहुंच गए, तो आप मुझे बताएं कि वो किसके हितों को प्रोटेक्ट करेंगे, किस ढंग की कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, इकोनॉमिक कल्चर और इंटेलेक्चुअल कल्चर वो समाज को देंगे। इस पर बहुत बहस करने की या सोचने की जरूरत नहीं है, एक मोटी सी बात। आज उस दौर से हिंदुस्तान की कार्यपालिका, विधायिका, आपकी न्यायपालिका गुजर गई। थोड़ी देर पहले किसी ने अच्छी बात कही थी कि जब कोई बड़ा आदमी तुरंत बंद हो जाता है जेल में 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो प्रेस में क्या नहीं होता। जैसे इसके अंदर कलेक्टर बतलाए गए, जब वो जेल में पहुंचता है शेर साहब, जैन साहब, और उसको बचाने के लिए, उसको हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए क्या क्या किया जाता है, ठीक स्थिति क्यों होती है। तो यहां उन शक्तियों को देखने की जरूरत है कि जो कि नेपथ्य में या पर्दे के पीछे काम करती है। मित्रों, मैं इस उपन्यास को, इसके पात्रों को, चाहे वो मीता हो,
या बाला हो या बाबा हो या गुरमीत सिंह हो या हकम सिंह हो या दरवेश हो मनवीर हो या डिप्टी हो और कोई हो, मैं उसको राज के संपूर्ण राज के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। दरअसल लेखक का की सफलता इसमें है कि इन्होंने इन तीन उपन्यासों में ये बताया है, मैं क्राफ्ट में नहीं जा रहा जो कि मेरा विषय नहीं है कि ये कला की दृष्टि से क्या है, ये आप लोग करें। इन लोगों ने किया इसको समझने के ये एक रूपक है, मैं इनको रूप इन पात्रों को नैरेटिव कह सकते हैं, महाख्यान है कि कैसे राज को बहुत चतुराई के साथ, कानून के साथ, धन बल के साथ, बाहुबल के साथ उसको किडनैप कर लिया जा रहा है, उसको हाईजैक कर लिया गया है और उसको कैसे बचाया जाए। और वहीं बचाने का शुरू से लेकर अंत तक एक उपस्थिति उपन्यासकार बदलाते हैं समिति की, समिति के कार्यकर्ताओं की। और आपने देखा जैसे कि मीर जी ने बताया कि किस तरह से जो संगीन अपराध के जो लोग हैं या शक्तिशाली लोग छूटते हैं, चाहे वो झूठी गवाहियों के माध्यम से, चाहे जज को खरीदने के माध्यम से, चाहे वो डिप्टी को खरीदने के माध्यम से, चाहे वो जो पैरवी करने वाले हैं उसको, चाहे वो पब्लिक सॉलिसिटर या प्रोसिक्यूटर है उसको खरीदने के माध्यम से। आप देखिए कि पिछले कुछ साल से जो मुकदमे चल रहे हैं, कितना साल लगा वो BMW का मुकदमा वो चले, 10 साल लगा, 10-12 साल। नंदा आपको याद होगी दिल्ली में BMW में, जिसमें हमारे एडमिरल जनरल के पौत्र चला रहे थे और उसमें 10-12 लोग। और उसके बाद क्या क्या हुआ, और मित्र सेन जी की बात इससे तायद होती है कि 3 दिन पहले हिंदुस्तान के बड़े मशहूर वकील और राज्यसभा के कभी सदस्य रहे आनंदीराम, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी कि हाँ हमने गवाह को खरीदने की कोशिश की, उसको गवाह बदलने की कोशिश की। तो इसका मतलब कि जैसा किसी ने कहा कि इसमें प्रामाणिक अनुभव है, तो ये अभी आनंद से जाहिर हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगता है जबकि वो राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं और इतने जिम्मेदार और एमिनेंट लॉयर हैं इस देश के, और वो कहते हैं कि हाँ हमसे ही गलती हुई। अरे भाई गलती हुई तो गो टू जेल, तुमने कितना बड़ा संगीन काम किया। मैं वही तो कहना कि उन्होंने मुजरिम को रखा और तुमने गवाहियां बदलवाने की कोशिश की और माफी मांगने से काम खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए, मैं यहां एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं, अगर मान लीजिए इंडियन स्टेट पर एक वर्किंग क्लास हावी हो, गरीबों की स्टेट होती, तो क्या माफी मांग के वो जा सकते थे? उस समय सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का या पार्लियामेंट का क्या व्यवहार रहता कि भाई तुमने एक मुजरिम को रखा। मैं एक मोटी सी बात मेरे आपके सामने बताई, नंदा के 12-13 साल चले मुकदमा, उसने क्या क्या नहीं किया, और भी मुकदमे सालों से ऐसे ही चल रहे हैं। आप चीते को मार देते हैं, आप हिरण को मार देते हैं, और पिछले 10 साल से एक फिल्म एक्टर का चल रहा है, किसी नवाब का भी चल रहा है, 2-3 साल से पटौदी के नवाब। ये कैसे भाई हमारा वो मीता या पाला 21 साल का, अब तो 18 साल हो गया, 21 साल के आप हैं तो आप वोट दे सकते हैं, 25 साल के हैं तो MP या MLA बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने लोकतंत्र को केवल वो मत पेटिका में के दे दिया कि हाँ आपको वोट देने का अधिकार हमने दे दिया, बस लोकतंत्र आ गया। दोस्तों वोट डालना, वोट के अधिकार का प्रयोग करना लोकतंत्र के जो असंख्य लक्षण हैं, प्रवृत्तियां उसमें से एक है और सबसे शक्तिशाली। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, यहां ये जो भ्रम हमारी रूलिंग क्लास ने पैदा किया पिछले 60-65 वर्षों में कि लोकतंत्र को हमने मत बेटी से न ठीक कर दिया, और यही पूरी इसमें अगर लोकतंत्र होता, लेकिन लोकतंत्र पूरी मानस, पूरे संस्कार, पूरी चेतना, और सबसे बड़ी कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मतलब यह होता है कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आप किस तरह से व्यवहार करते हैं, आप
लोकतंत्र में कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं हो सकता, जेन्युइन लोकतंत्र वो होता है इसमें कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं हो सकता। आपने पिछले 30-35 वर्षों में ज्यादा से ज्यादा प्रिविलेज क्लास बना, जिसमें ज्यादा प्रिविलेज क्लास होगी लोकतंत्र जो है डाइल्यूट होता चला जाए। आपने लोकतंत्र को परोक्ष रूप से छद्म ढंग से एक धनतंत्र बना दिया गया या विशिष्ट तंत्र बना दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं इलिटाइजेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। ये इलिटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस पिछले 20 साल में हुआ तेजी से, वो जबरदस्त हुआ कि इसका जो कुलीनीकरण हम लोगों ने लोकतंत्र कर दिया, और जाहिर है कि हाशिए पे चला गया है। हाशिए इसलिए चला गया कि हमने वोट देकर छुट्टी पाली की भाई आपको जरूरत नहीं है। नहीं, अगर लोकतंत्र नीचे तक होता तो हमारे चिदंबरम साहब को परसों ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि देश में 200 जिलों में माओवादी सक्रिय है, और 200 जिलों में से करीब 35-40 जिले ऐसे हैं जिन पर उनका एक राज है और वहां इंडियन स्टेट नहीं पहुंच सकता। ये हमारे होम मिनिस्टर साहब ने परसों ही कहा यह बात। अगर वास्तविक लोकतंत्र होता तो वह आदिवासी दलित महसूस करता कि हाँ, मैं दिल्ली की सत्ता को बदल सकता हूं, मैं चंडीगढ़ की सत्ता को बदल सकता हूं। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें मेरा है, कोई भी गलत आदमी को सजा नहीं होगी, जब को कोई नहीं खरीद सकेगा। ये विश्वास पैदा करना, अगर इससे ये विश्वास पैदा कर दे, लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता और स्टेट दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए, जितने जो निर्णय हो उसमें एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो दे दीजिए गैप, दे दीजिए गैप, दे दीजिए मिस्ट्रस डिस्ट्रस बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल, एंड हाउ टू रिमूव दिस गैप मिस्ट्रस। जब तक आप इस डिस्ट्रस और मिस्ट्रस को नो कॉन्फिडेंस को आप नहीं करेंगे, तो आज तक 200 जिले हैं, कल को 250 जिले भी हो सकते हैं। मैं आई एम नॉट होल्डिंग एनी ब्रीफ फॉर द मॉइस, लेकिन सवाल ये है कि ये बनते कैसे हैं। इसमें मित्र सेन जी ने सुधार घर में ये पूरी चर्चा की तरीके से कि आखिर में क्यों बनते हैं, क्यों वो सुरंग लगाते हैं, क्यों हाकम सिंह जो एक अच्छा वकील है वो मैनुअल मांगता है आपसे, मैनुअल कि भाई जेल की मैनुअल क्या है, कहां आप उसको मैनुअल नहीं ले पाओ जो उसका हक फंडामेंटल राइट है। कि मैनुअल केवल वकील का अधिकार नहीं है, अगर मुझे भी सजा होती है तो मैं भी मांग सकता हूं कि बताइए एक कैदी के क्या अधिकार है, और उसके जो जेल के अधिकारी हैं वो डरते हैं कि अगर हमने देखिए यहीं से मिस्ट्रस शुरू होती है। उसके अधिकारी जेल अधिकारी कहते हैं कि हकम को भाई तुम यहां पर सजा भुगतने आए हो, यहां पर अगर मैनुअल लेकर के यहां बगावत करने आए हो, क्या भाई मैनुअल को पढ़ना क्या बगावत है। कल को तो ये भी तो हो सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री कह दे कि आम आदमी को संविधान पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए वो जेल का मैनुअल है और संविधान जो है नेशन का मैनुअल है, उसको इस रूप में आप देखिए। मैनुअल मीत जी ने जेल के एक रूपक के रूप में मैं समझता हूं इस्तेमाल किया, जो मैं समझता हूं यही बात हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर लागू होती है। वो गांव में दूर दराज में रहने वाला, ये बस्तर में रहने वाला, ये झारखंड में रहने वाला, छत्तीसगढ़ में रहने वाला, तो आम आदमी क्या मालूम है कि हिंदू संविधान में उसको कितने अधिकार दिए गए, क्या अधिकार है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या अधिकार है, है? आपने कभी एजुकेट करने की कोशिश की इस 62 सालों में, क्यों कि आपका संविधान केवल अर्बन सोसाइटी तक, अर्बन इंडिया तक रहा, आपने उसको सामान्य भाषा में आम लोगों तक पहुंचाने की कभी भी सिंप्लीफाई ढंग से कोशिश नहीं की। मुझे याद है 1975 में 2000 में
हम लोगों ने कोई 20-25 पेज का एक गुटका संविधान के उसकी प्रमुख बातों को मध्य प्रदेश के जगह जगह हम लोगों ने बटवाया था। बहुत सारे लोगों को मालूम हुआ कि वो हमें ये अधिकार गांव के लोगों, अगर मान लीजिए गांव का आदमी कलेक्टर के पास जाए साहब संविधान में हमारा ये अधिकार है तो वो कहेगा अरे क्यों संविधान पढ़ रहे हो तुम दंगा फैलाओगे, ठीक है ये हाकम सिंह से कहा गया। देखिए दोनों का इस कंपेरिजन को समझिए, बाबा को जब एक कलेक्टर बीच में आता है समिति के माध्यम वो कॉन्शियस हिंदुस्तान की कॉन्शियस उसको उस रूप में देखिए, एक आत्मा एक चेतना जो कलेक्टिव कॉन्शियस इसे बोलते हैं हिंदुस्तान की कलेक्टिव कॉन्शियस वो बाबा के माध्यम से व्यक्त होती है सामने आती है। और यही प्रेमचंद की बात होती है, प्रेमचंद के उपन्यास में कहानियों में एक जो बाबा का महात्मा गांधी का कैरेक्टर सामने आता है। तो ये जो समिति का जो मुखिया बाबा है उसको हाथ लगाने से लोग करते क्यों, उसकी जो मॉरल फोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ी होती है उस मॉरल फोर्स को जो दरअसल इस पूरे उपन्यास का सबसे मजबूत किरदार अगर है बाबा है, क्योंकि वो मॉरल फोर्स को रीइंफोर्स करता है, इंडियन कॉन्शियस को नेशन की कॉन्शियस को वो रीइंफोर्स करता है कि नहीं अगर आप सही कॉज के साथ खड़े हैं आप सही मुद्दों के साथ खड़े हैं आप अदना लोगों के साथ खड़े हैं आम लोगों के साथ खड़े हैं तो एक दिन तो ऐसा आएगा जीत तो आपकी होगी चाहे पेड़ से सही। यानी यही एक बात और आ जाती है पीपुल्स स्ट्रगल, यहां वॉयलेंस की बात कहीं नहीं आ रही है, हम शांतिपूर्वक ढंग से हम बोलबंद करके जनता को संघर्ष करते हैं उसको कहा जाए मोटिवेट करते हैं और उसके माध्यम से आखिर में उनकी जीत होती है। तो ये कि भारतीय आत्मा को जो कलेक्टिव कॉन्शियस सामूहिक चेतना है उसको नैतिक स्तर पर वैधानिक स्तर पर स्थापित करना ये एक सबसे बड़ी इस उपन्यास की जान है जो मैं समझ पाया। इसको समझना बहुत आज के दौर में बहुत जरूरी है कि जो कि आमतौर पर हम क्या करते हैं जो साहित्य लिटरेचर में कुछ समय ये भी हुआ है कि हमने व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन को तो स्थापित किया इंडिविजुअल स्ट्रगल को तो ग्लोरीफाई किया लेकिन कलेक्टिव स्ट्रगल को ग्लोरीफाई नहीं किया। मीट अकेले बाबा को किससे जोड़ते हैं समिति से जोड़ते हैं समिति को सामने लाकर रखते हैं यानी अगर समिति नहीं होती है तो बाबा नहीं होती यानी एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता आपको यू विल हैव टू आइडेंटिफाई विद मासेस। अगर आप मासेस के साथ नहीं है तो यह कि इंडिविजुअलिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कलेक्टिविटी में होना वो इस उपन्यास का दूसरे सबसे बड़ा मजबूत पॉइंट है कि आज इंडिविजुअलिज्म से नहीं कलेक्टिव एक्शन कलेक्टिव थिंकिंग कलेक्टिव एक्शन ये होना सबसे महत्वपूर्ण है। इससे स्टेट के चरित्र को बदलने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि अगर हम इंडिविजुअल स्ट्रगल को कलेक्टिव स्ट्रगल में रूपांतरित कर दें तब्दील कर दें तो मैं समझता हूं कि हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो एक मेटाफर इन्होंने क्रिएट किया लेखक ने और उस मेटाफर के माध्यम से एक बहुत सफलतापूर्वक बता दिया कि आज एक कलेक्टिव स्ट्रगल की जरूरत है। क्यों कि जो नव उदारवाद है वो क्या करता है देखिए वो स्टेट का और व्यक्ति का दोनों को डिस इंटीग्रेट करता है। देखिए इसको क्योंकि पूंजीवाद की आधुनिक पूंजीवाद की सबसे बड़ी जो रणनीति स्ट्रेटजी वो ये है इसमें कि ज्यादा से ज्यादा विखंडन होगा तो उसका जो कंजम्पशन जो है वह अधिक से अधिक बनेगा तो सबसे पहला उसका अटैक होता है न्यूक्लियर फैमिली पर जॉइंट फैमिली पर यानी जितना ज्यादा से ज्यादा जितना न्यूक्लियराइजेशन या छोटी छोटी फैमिली होंगी उतने ही आपकी जो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं यानी अगर एक परिवार के 10 परिवार बनते हैं तो 10
फ्रिज पहुंचेंगे, 10 टीवी पहुंचेंगे, इसको इस रूप में समझ, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल जो इकोनॉमी है उसको समझने की बहुत जरूरत है। तो पूंजीवाद क्या करता है कि नैतिक सत्ता, वैधानिक सत्ता, पारिवारिक सत्ता, इन तीनों पर जबरदस्त चोट करता है कि इसको बिखेर देता है, उसको विखंडित बना देता है। और इसको समझने की जरूरत है कि हम इस नव उदारवाद पूंजीवाद को, जो उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन भी, ग्लोबल कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं, कहते हैं कि इसको इस षड्यंत्र को समझें और इसको कैसे मुकाबला हम कर सकते हैं। आप देखिए, इसमें शिक्षा की भी बात हुई है, ज्यादातर ऐसे यदि अगर हम लोग पाला को और नीता को ले लें, दोनों इलिटरेट हैं, सुनिए सर, दोनों इलिटरेट हैं। और दूसरा एक बात और इसमें सामने आई कि मीता दलित है। अब देखिए, इसमें एक चीज, एक एंगल मैं और आपको बता देता हूं कि जेल में किस दर से जातिवाद पहुंचा। देखिए, इसको समय तमिलनाडु की स्टडी पढ़ रहा था फ्रंटलाइन में, उसमें वहां एक नई तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गए हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा, तो लंबा हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि इस आधारभूत परिवर्तन, इन तमाम चीजों को लेकर इस उपन्यास में मीत जी ने बहुत अच्छे ढंग से चीजों को उभारने की कोशिश की है,